वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया। बजट में कई तरह के ऐलान किए गए हैं, जिसमें 1 करोड़ छात्रों को इंटर्नशिप देने का भी वादा किया गया है। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि सरकार 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप देगी। बजट में हुए इस ऐलान के बाद अब लोगों के मन में सवाल है कि आखिर किन छात्रों को इसमें मौका मिलेगा, कैसे सेलेक्शन होगा और किस तरह से किन लोगों को पैसे मिलेंगे, तो जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। सरकार ने देश में रोजगार और कौशल विकास क्षेत्र को एक बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए इसका ऐलान किया है। सरकार की इस पहल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी और ये इंटर्नशिप 500 बड़ी कंपनियों में मिलेगी। इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए छात्रों को करियर के शुरुआत में ही सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जाएगी। सरकार की ओर से इस प्लान के लिए 1.48 लाख करोड़ का बजट दिया जाएगा और वही इंटर्नशिप प्रोग्राम में उन छात्रों को मौका मिलेगा जिन्होंने फुल टाइम कोर्स किया हो और उनकी उम्र 21 से 24 साल के बीच हो। साथ ही हर कंपनी की प्रोफाइल के हिसाब से इंटर्नशिप की योग्यता तय की जाएगी। इस स्कीम में उन छात्रों को मौका नहीं मिलेगा जिन्होंने IIT, IIM और IISER की पढ़ाई की है। इसके अलावा अगर परिवार का कोई सदस्य अगर सरकारी कर्मचारी है या इनकम टैक्स के दायरे में आता है तो इंटर्नशिप योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। शुरुआती जानकारी के हिसाब से इस प्रोग्राम में कौन सी कंपनियां शामिल होगी इसका फैसला कंपनियां ही करेगी। पहले कंपनियां इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पहल करेगी, उसके बाद उन्हें लिस्ट में शामिल किया जाएगा। वहीं इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी आना अभी बाकी है। बता दें कि इस प्लान में सेलेक्ट होने वाले हर छात्र को 5,000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप स्टाइपेंड मिलेगा। इसके अलावा एक बार की सहायता के रूप में 6,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। ये स्कीम 2 चरणों में चलाई जाएगी, जिसमें पहला फेज 2 साल के लिए होगा और दूसरा फेज 3 साल के लिए होगा। छात्रों पर ट्रेनिंग का खर्चा कंपनी की ओर से किया जाएगा। इसके साथ ही इंटर्नशिप का 10% खर्चा कंपनी अपने CSR फंड से देगी। अब आखिर में CSR होता क्या है? CSR का मतलब कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। दरअसल कंपनियों को अपने बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सामाजिक और पर्यावरण संबंधी कार्यों में खर्च करना होता है। बड़े कंपनियां अपने कुल लाभ का 2% CSR के लिए खर्च करती है। जो विदेशी कंपनियां भारत में काम कर रही है वो कंपनियां भी ये फंड बनाती है। वही आपको बता दें कि शुरुआती जानकारी के हिसाब से इस प्रोग्राम में कौन सी कंपनियां शामिल होगी इसका फैसला कंपनियां ही करेंगी। पहले कंपनियां इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पहल करेगी और उसके बाद उन्हें लिस्ट में शामिल किया जाएगा। और वहीं इस प्लान में सेलेक्ट होने वाले हर छात्र को 5,000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप स्टाइपेंड मिलेगा। इसके अलावा एक बार की सहायता के रूप में 6,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। यह स्कीम 2 चरणों में चलाई जाएगी, जिसमें पहला फेज 2 साल के लिए होगा और दूसरा फेज 3 साल के लिए होगा। छात्रों पर ट्रेनिंग का खर्चा कंपनी की ओर से किया जाएगा। बाकी इस पूरी जानकारी के बारे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।